Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. हेलो फ्रेंड, एडवांचल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मोबाइल के डाटा के बारे में बताऊंगा। मोबाइल के डाटा का सबसे ज्यादा इशू होता है, आपके सेलफोन के अंदर सबसे ज्यादा इशू होता है। हम हो या आप हो या कोई भी अदरवाइज कोई भी आदमी, आप करते हो क्या, प्लान डलवाते हो 1.5 GB, 1 GB, ठीक है ना, 2 GB। आप अगर जो है 2 GB का प्लान डलाते हो तब तो फिर कोई टेंशन नहीं होता है। अगर आप जो है लिमिट में 1 GB का प्लान डलाते हो सेलफोन के अंदर, तो अगर 1 GB का डलाते हो ना, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डाटा का होता है इशू, ठीक है ना। होता क्या है, मिस्टेक से हमसे भी होता है, आप लोगों से भी होता होगा, कि आप करते हो क्या, डाटा को ऑन करके सेलफोन को जिम में डाल लेते हो, या जरूरी कोई भी काम हो आप चले जाते हो, ठीक है ना। आप तो ये सोचते हो कि हमारा डाटा, हमने डाटा को सिर्फ ऑन करके रखा है और डाटा में वीडियो देखा नहीं, प्ले स्टोर में से कुछ डाउनलोड किया नहीं, गेम खेला नहीं, तो कहां गया हमारा डाटा, हमारा डाटा तो सेव होगा। आप तो ये सोचते हो, अपने मेंटेलिटी में ये लगाते हो, मगर ऐसा नहीं है। आपके सेलफोन के अंदर सेटिंग तो हुआ नहीं होता है, क्या आप तो सेटिंग किए नहीं होते हो ना, तो डाटा तो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो ठीक है ना। इसी के लिए मैं आज आपको दो सेटिंग बताऊंगा, दो सेटिंग बताऊंगा, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग। फर्स्ट सेटिंग से भी आपको सेकंड सेटिंग ज्यादा जबरदस्त होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। दोनों सेटिंग एक दूसरे में लाजवाब सेटिंग बनेगा, ठीक है ना, और दोनों का दोनों आप लोगों को बहुत ही बेस्ट लगेगा, और आप करके यूज करके देख लेना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, बिना टाइम को लेप्स किए हुए मैं वीडियो को कर लेता हूँ स्टार्ट। मेरा नाम आफ्ताब और आप देख रहे हो लाइव मूवमेंट यूट्यूब चैनल। तो प्लीज, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से करूंगा रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे चैनल को कर दे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, कि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो ठीक है ना, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहले आप क्या करेंगे, पहला सेटिंग मैं बता रहा हूं। पहला सेटिंग में आप जो है ना, इधर से सेटिंग दिख रहा होगा, सेटिंग को क्लिक कर देना। सेटिंग को क्लिक करने के बाद आप लोग चले आना नीचे साइड में, आप लोगों को दिखेगा एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग को ऑन कर देना। एडिशनल सेटिंग को जैसे ही आप जो है क्लिक करते हो, तो उसके बाद आपको स्टोरेज, डाटा एंड टाइमिंग, तो दूसरा नंबर पर डाटा एंड टाइमिंग है, डाटा एंड टाइमिंग को आप कर लेना, ठीक है ना। ऊपर से दूसरा वाला नंबर में ऑटोमेटिक सेटअप डाटा एंड टाइम, इसको कर देना ऑन। इसको जैसे ऑन करोगे ना, तो मैं इसका फायदा बता दूं आपको। इससे क्या होगा फायदा आपका, कि आपका सेल फोन अगर डाटा ऑन भी रहेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी ये करेगा कि आपके टाइम के हिसाब से, टाइम अगर सेलफोन के अंदर कुछ नहीं होता है, डाटा अगर ऑन होता है और कुछ छेड़छाड़ नहीं होता है, तो ये अपने आप जो है ना रिकवरी करेगा कि आपके डाटा को कम से कम यूज होने देगा। अगर डाटा को ऑफ करके रखते हो तो कोई इशू नहीं है, अगर डाटा ऑन ही छूट गया आपके सेलफोन के अंदर, ठीक है ना, आप डाल लिया, कोई जरूरी काम हो गया छोड़ दिया आप, ठीक है ना। इसमें होता है कि वेस्टेज जो डाटा जाता है ना, वो नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना, पहला सेटिंग में बताया। चलो ठीक है ना, दूसरा वाला सेटिंग बता देता हूँ, दूसरा सेटिंग का फायदा मैं बताऊंगा। मैं पहले सेटिंग बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना। अब दूसरे सेटिंग में आता हूं, प्ले स्टोर, अपने सेलफोन के अंदर प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर में आने के बाद अपने प्रोफाइल पे चले जाना, ऊपर साइड में लेफ्ट राइट साइड में आपको दिखेगा अपना लोगो, ठीक है ना, प्रोफाइल, उसको क्लिक कर लेना। उसको क्लिक करने के बाद आ जाना आप सेटिंग में, सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा, इधर सेटिंग दिख जाएगा सबसे फर्स्ट में, ठीक है ना, सॉरी जनरल दिख जाएगा, जनरल को क्लिक कर देना। जनरल को क्लिक करने के बाद आप क्या करना, ठीक है ना, जैसे सेटिंग में आओगे जनरल को क्लिक करोगे, जनरल को क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर दिख जाएगा, ठीक है ना, नेटवर्किंग परफॉर्मेंस, ठीक है ना, इसको क्लिक कर देना। नेटवर्किंग परफॉर्मेंस को क्लिक करने के बाद आपको जो है दिखेगा ऑटो अपडेट ऐप, इधर से ऑटो अपडेट को क्लिक करना, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद ओवर एनी नेटवर्क, आप जो है ओवर एनी नेटवर्क पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, आप जो है इधर चले आएंगे सबसे नीचे वाला साइड में, ये इधर तीन ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो सबसे नीचे वाले में डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप, ठीक है ना, इधर से इसको क्लिक कर देना, ठीक है ना, इधर से कर देना इसको डन। ये होता है क्या, इसका फायदा क्या होगा आपको, कि बिना आपके किसी भी ऐप को, ऐप जो ना ऑटोमेटिक आपके सेलफोन को, सेलफोन में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं देगा, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक अपडेट नहीं होगा, इसका फायदा ये, ठीक है ना। अब इधर से आ जाते हैं हम लोग, इसी के जस्ट नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा ऑटो प्ले वीडियो, ठीक है ना, इसको भी क्लिक करेंगे।
ऊपर वाले बटन को नहीं क्लिक करेंगे, दूसरे वाले को भी नहीं करेंगे, तीसरे वाले में आ जाएंगे, ठीक है ना। तीसरे वाले को क्लिक करके इधर से डन कर देंगे। अब देखो होता क्या, इसका फायदा क्या होगा, मैंने दो ऑप्शन आपको बताया इधर, ऑटो अपडेट ऐप और ऑटो प्ले वीडियो। इसमें होगा क्या कि आप अगर जो है ना आपके सेल, कभी कभी होता क्या है कि अदरवाइज बहुत लोग जो है लॉक लगा के रखते हैं सेल फोन में, मगर कुछ लोग जो है ना लॉक नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। होता है क्या कि जनरली टच वाला सिस्टम हो गया, आप सेल फोन में जो है टच हो गया कि हल्का भी हाथ जाने के बाद सेल फोन अगर जेब के अंदर रखा हुआ हो आपके और हल्का भी टच हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। खुलने के बाद आपका वीडियो हो जाएगा प्ले, आपको पता नहीं चलेगा उधर आपके सेल फोन में आपके जेब के अंदर वीडियो ऑन है। या सॉरी, ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप जो है ना कहीं पे बैठे हुए हो, ठीक है ना, और आप कहीं जरूरी काम हो गया, आप चले गए, सेल फोन को ऐसे छोड़ दिए, तो कोई बच्चा आया, क्लिक किया आपका, अगर बाय द वे आप पैटर्न लॉक लगा हुआ है तो वो तो लॉक अगर जनरल जान गया तो वैसे ही खोल लेगा, अगर जनरल लॉक नहीं लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो टच करके आपके यूट्यूब में जाकर वीडियो को प्ले कर देगा। इससे होगा क्या कि वेस्टेज आपका डाटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं इधर से ये सिस्टम से लॉक किया इसलिए कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं होगा। इससे होगा कि आपका डाटा सेव होगा, आप जरूरी काम जब भी करना होगा आप कर सकते हो इस डाटा से, ठीक है ना। तो ठीक है ना, मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को कर देना प्रेस कि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन से पहुंच जाए। तो ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।